नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नया अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ पेंजर भाई का। बहुत सारे दोस्तों को ये दिक्कत आ रही है, उनको इरर आ रहा है, ये मैसेज 730 का, इरर कोड 730, इंटर इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम इन द फिंगर कैप्चर, बहुत दिक्कत हो रही है। बट ये उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है जिन लोगों ने अपना मोबाइल में जो इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड में इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ये दिक्कत हो रही है। जो सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम में तो वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अभी। बट जो मोबाइल में अपना वो वर्क कर रहे हैं उसमें ये दिक्कत आ रही है 2 दिन से। बट दिक्कत क्यों आई है, उन लोगों ने क्या हुआ, आप लोगों ने जिनका ये इरर आ रहा है 730 का, उन लोगों ने अपने मोबाइल में जो मार्फो का आरडी सर्विस है उसको अप टू डेट किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नया बीच में 2 दिन पहले अप टू डेट आया था। बट किसी के मोबाइल में जो ऐप नया जो अप टू डेट हुआ है मार्फो आरडी सर्विस का, वो किसी में सपोर्ट नहीं कर रहा है बट किसी में कर रहा है। बहुत सारे रिटेलर का भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे रिटेलर का ये कॉल आ रहा था कि सर मेरा ये मार्फो कैप्चर नहीं कर रहा है, जो इरर आ रहा है 730 का। तो मैं उन लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं बताऊँगा किस तरीके से इसको आप यूज करके आप अपना जो इरर है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जो नया जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो लोग अपना जो मार्फो का आरडी सर्विस अगर अप टू डेट करने का जो मैसेज आएगा या अप टू डेट करने का जो आपका उसमें दे रहा होगा, उसको आपको अप टू डेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अप टू डेट कर लेते हैं तो फिर आपका इसी तरीके से इरर आएगा, फिर आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग उसको अप टू डेट ना करें। बट जिन लोगों ने अप टू डेट कर लिया और जिनके साथ ये इरर आ रहा है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहले से जो आपके मोबाइल में जो आपका आरडी सर्विस इंस्टॉल है उसको आपको क्या करना है, उसमें सिंपल उसको अनइंस्टॉल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका आरडी सर्विस उसमें इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में जो भी आपका पहले से आरडी सर्विस उसमें इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको मार्फो का जो भी आपका पेनियर बाइक का हो उसको भी अनइंस्टॉल कर देना है। सब कुछ अनइंस्टॉल करके मोबाइल को आपको रीस्टार्ट करना है। ओके दोस्तों, रीस्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, अभी प्ले स्टोर में जाकर के केवल पेनियर बाइक ऐप इंस्टॉल करना है, दोबारा से उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में क्या होगा कि आप अपना मार्फो सर्विस जैसे डालेंगे तो आपका उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है कि मार्फो का SLC आपका SL करके ऐसा आपका जो आता है कि मार्फो का आरडी सर्विस ऑटोमेटिक हो ले जाता है प्ले स्टोर पर, आपको ऑटोमेटिक ले जाता है प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए। तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, उस समय अपने नेट को ऑफ कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो डाटा होगा उसको ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद में मैं आपको एक जो सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ अभी, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँ, बट अभी टाइम की कमी के कारण मैं अभी नहीं डाल पा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में मैं इसको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट अभी अगर जिसके साथ ये दिक्कत हो रही है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उस को हमको दे दिया जाए, तो उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा वो सॉफ्टवेयर, उसको आप डाउनलोड करके, और जो रिटेलर अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो हमको मेरे व्हाट्सअप पे आप ये इरर का स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सअप करें। सॉफ्टवेयर जो मैं आपको व्हाट्सअप पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन ये है कि डाटा ऑफ होना चाहिए, पुराना वाला वर्जन आपका उसमें जो भी पहले से अपडेट किए हैं उस सबको अनइंस्टॉल होना चाहिए। फिर दोबारा डाटा ऑफ करने के बाद ही इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके मोबाइल को रीस्टार्ट करके फिर काम कीजिए। लेकिन बीच में अगर अप टू डेट मांगता है तो आपको अप टू डेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।